हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपदों के उदय के बारे में। 16 ऐसे महाजनपद थे हमारे भारत में दोस्तों, जो कि बहुत ही पुराने थे, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको याद क्या रखना है इसमें कि जो 16 महाजनपद हुआ करते थे वो इस समय वो मतलब कौन कौन से जगह कवर करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ही दोस्तों ट्रिक से और बहुत ही चीज़ों को रिलेट करके जो है पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात क्या था दोस्तों, दर्शन और प्रवर्तक के बारे में। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों लूसेंट जीके की महामैराथन सीरीज, और लूसेंट के एक एक टॉपिक को मैं फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से कवर करवा रहा हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो जो है मिल जाएंगी यूट्यूब पर, जो भी मैंने डाल रखा है लूसेंट से रिलेटेड। तो चलिए, आज का वीडियो जो है बर्बाद ना करते हुए टाइम को, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं महाजनपद के उदय के बारे में। महाजनपद क्या होता है दोस्तों, मैं समझाता हूं आपको कि महाजनपद कहते किसे हैं। जैसे आपको पता होगा कि पहले का जो सिस्टम हुआ करता था, हमने पढ़ा इसके पहली वाली वीडियो में कि जो ऋग्वैदिक कालीन सिस्टम था उसमें कुल हुआ करता था। तो कुल जो है बड़ा होकर के क्या बनाता है, जन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, जैसे हमने बोला कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कुल होती है। अब बहुत सारे कुल मिल करके, बहुत सारे कुल अगर मिल जाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, बहुत सारे कुल मिल जाएंगे तो उसी को हम बोलेंगे जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जन बोलेंगे। और जब कोई जन बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका नाम दे दिया जाता है जनपद। तो दोस्तों देखा गया कि भारतवर्ष में 16 ऐसे जनपद थे जिनका क्षेत्र जो है बहुत ही विशाल था। जनपद आप डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, जैसे आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे गाँव आते हैं। उसी तरह से जनपद भी होता था, 16 जनपद होते थे दोस्तों भारतवर्ष में, और वो 16 जनपद में पूरा भारत जो है क्या था, कवर था। तो जो बड़े बड़े जनपद थे उनका नाम दे दिया गया कि अब उसको जनपद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, महाजनपद बोलेंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ और कैसे पता चला कि भाई जनपद हुआ करता था। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय। वहीं से हमें पता चलता है कि यहाँ पे 16 जो है महाजनपद हुआ करते थे। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा, पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसको आप एक बार पढ़िएगा कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारतवर्ष में 16 जनपद में बटा हुआ था, और उसी को हमने नाम दिया कि ये 16 क्या है, महाजनपद है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी मैंने लिखा है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि जो लूसेंट बुक है दोस्तों वो इंग्लिश माध्यम में नहीं लिखी गई है। तो इंग्लिश मीडियम से अगर आप बिलोंग किए हैं, अगर आपका बेस इंग्लिश है, तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हिंदी मीडियम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि लूसेंट इज द की ऑफ सक्सेस। लूसेंट के मैं एक एक पार्ट को, एक एक जो है टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यही है, तो आप जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे पता चला हमें कि 16 महाजनपद हैं, तो दोस्तों बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय है, तो इसको इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, अंगुत्तर निकाय। तो ये नाम है इसलिए इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में नहीं लिखा, तो बोलेंगे इन बौद्ध धर्म जो है स्क्रिप्ट ऑफ अंगुत्तर निकाय में हमें पता चलता है कि जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब दोस्तों इसको याद कैसे किया जाए, वही तो हमें समझना है। आपको मैंने लिस्ट दे दिया, आपके बुक में लिस्ट होगी, देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पेज नंबर 7 पे जो है आपको ये लिस्ट जो है बनी हुई मिली है। तो इस लिस्ट को कैसे आप मेमोराइज करेंगे, कैसे याद करेंगे, उसी के लिए तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो आपको इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि कैसे उसको आसान करके याद किया जाए। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इस तरह से याद करें कि किस राज्य में कौन कौन से जो है महाजनपद थे। जैसे मैं बोलूँ उत्तर प्रदेश में 4 थे, वो कौन कौन से थे उसके बारे में याद कर लीजिए। मैं बोल दूँ बिहार राज्य है, उसमें कितने जो है जनपद थे, उस तरह से याद कर लीजिए। मैं बोलूँ पाकिस्तान में कितने जनपद थे, जैसे पाकिस्तान पहले भारत ही हुआ करता था, तो पाकिस्तान उस समय भारत था, तो उसमें कितने जनपद थे, कितने जनपद बटे हुए थे। तो इस तरह से राज्य से रिलेट करके हम याद करेंगे चीज़ों को, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, और वही मैं करने वाला हूँ। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ महाजनपद, और अब हम बात करते हैं कैसे याद करेंगे इस लिस्ट को जो आपके सामने शो हो रही है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं 16 महाजनपद को कैसे जो है मेमोराइज करेंगे। दोस्तों तो मैंने क्या किया है, इसको जो है बुक में तो लाइन बाय लाइन जो है दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, इसको जगह के हिसाब से, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने थे दोस्तों, 6 महाजनपद थे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 6 महाजनपद थे, उन 6 महाजनपद को एक साथ याद कर लीजिए। उसके बाद बिहार के जितने महाजनपद हैं उनको अलग याद कर लीजिए, पाकिस्तान में जितने थे उनको अलग याद कर दिए, यानी कि जगह के हिसाब से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और उसके लिए आपको मैप भी मैं दिखा दूंगा, मैप आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि किस तरह से महाजनपद बटे हुए हैं और किस तरह से हमें याद करना है, क्योंकि मैप से चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो मैप भी आप जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैप भी आ रहा है और किस तरह से इसमें चीज़ें हैं, आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं सारी चीज़ें याद दिला देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे याद करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, महाजनपद दिया हुआ है। अच्छा, जब कोई जिला होता है या फिर कोई राज्य होता है बहुत बड़ा, तो उसकी एक राजधानी बनाई जाती है, तो 16 महाजनपद बने हुए थे, तो 16 राजधानियां भी बनी हुई थी, तो 16 महाजनपद इधर मैं लिखा हूँ, इधर राजधानी लिखा हूँ, और इधर जो आधुनिक क्षेत्र यानी कि इस समय वो कहाँ पे है, ऐसे ही लूसेंट में भी लिखा गया है, पेज नंबर 7 पे देखेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक पहला जो था वत्स जो है उसका राजधानी कौशाम्बी था, और ये इस समय जो है इलाहाबाद के आसपास, यानी कि ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है, तो प्रयागराज के आसपास का जो भी क्षेत्र हुआ करता था ना, वो उस समय क्या कहलाता था, वत्स कहलाता था, और वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। तो आई होप आप याद कर सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। तो इलाहाबाद वाले क्षेत्र में कौन सा होगा, वत्स होगा, और उसकी राजधानी क्या होगी, कौशाम्बी होगी। कोसल जो है महाजनपद कहाँ पाया जाता था, श्रावस्ती में, और ये फैजाबाद गोंडा बहराइच में पाया जाएगा। जैसे आप दोस्तों गोरखपुर से जाएंगे बस्ती, बस्ती के बाद आपको जो है फैजाबाद, उधर अयोध्या साइड, फैजाबाद अभी क्या हो गया है, अयोध्या हो गया, तो अयोध्या आप बोल सकते हैं, लेकिन लूसेंट में फैजाबाद ही मेंशन है, तो मैंने क्या किया, फैजाबाद ही लिखा है। तो फैजाबाद, और उसके बगल में गोंडा है, अयोध्या, बहराइच, मतलब वो वाला जो क्षेत्र था दोस्तों उसको हम क्या कहते थे, उसको कोसल बोलते थे, कोसल महाजनपद का नाम था और उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, तो आप इसको देख सकते हैं। मल्ल, मल्ल जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्ल जो है कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और जो बस्ती वाला इलाका था, ये जो है मल्ल के नाम से जाना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे और महावीर स्वामी थे, इनका जो मोक्ष धाम है वो यहीं पर है, यानी कि ये मतलब अंतिम अपना जो सांस लिए थे वो यहीं पे लिए थे, तो मल्ल में ही। तो मल्ल जो है वो कुशीनगर में पड़ता है, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो मल्ल की राजधानी कुशावती होती थी, तो मल्ल आप याद कर सकते हैं कुशावती। पंचाल महाजनपद जो था वो अछत्र था, तो पंचाल अछत्र था, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आता है। उसके बाद दोस्तों चेदी भी था एक महाजनपद, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, और शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में इस समय आता है। उसके बाद दोस्तों सूरसेन, उसकी राजधानी मथुरा थी, और ये मथुरा वाले इलाके में आता है। तो इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और एक बार इसको मैप में भी जाके देखिए कि जो है वत्स, कौशाम्बी जो है वो इलाहाबाद के आसपास कैसे है। तो मैप आप लोगों के सामने आ रहा है, मैप में आप एक बार देखेंगे किस तरह से चीज़ें हैं, तो मैप से आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के, अब और भी जगह के जो हैं उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप उसको भी याद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि 16 महाजनपद में जो बिहार वाला इलाका था, बिहार वाले इलाके में कितने जो है महाजनपद थे। तो बिहार वाले में दोस्तों 3 थे, कौन कौन से आप याद रखेंगे, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, और ये भागलपुर, मुंगेर और बिहार वाले इलाके में था, यानी कि भागलपुर वाले में जो है, बिहार में भागलपुर है, और मुंगेर वाले इलाके में अंग और चंपा जो है थी। मगध जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मगध एक ऐसी जो है महाजनपद था जो कि बहुत ही बड़ा था, तो उस समय भारत में जो सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था दोस्तों वो मगध था, और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, शासन किया था। तो मगध जो है उसकी राजधानी राजगृह थी, और ये आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, पटना, गया और बिहार। क्या नाम है दोस्तों, पटना वाले क्षेत्र में और गया वाले क्षेत्र में, जो बिहार में आता है वहाँ पे ये जो है राजा मतलब राजधानी हुआ करती थी और जनपद हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जो 10वां है दोस्तों वो है वज्जी। वज्जी जो है वैशाली जिला है। अब देखिए राजधानी इसका वैशाली है, और वैशाली जिला वाला जो क्षेत्र है दोस्तों बिहार में, तो वहाँ पे होता था वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
ये बिहार में पड़ता है। इस इलाके में कौन सा जो है जनपद था दोस्तों, वज्जी था और इसकी राजधानी वैशाली थी। तो आई होप दोस्तों बिहार वाला भी आपको 3 याद हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 7 थे, उन 7 को आप देख के याद कर लीजिएगा। फिर बिहार में 3 है, उन 3 को याद कर लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक था अवंती, एक था मत्स्य। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अवंती माहिष्मति या उज्जैन। अवंती की जो राजधानी थी वो माहिष्मति, आप बाहुबली मूवी बहुत देखे होंगे तो माहिष्मति की जो शूटिंग हुई है वो अवंती में ही हुई है, ठीक है। तो अवंती हुआ करता था, उसी से ही बाहुबली जो फिल्म बनी है उसी से रिलेटेड बनी है। तो अवंती माहिष्मति ये मालवा वाले इलाके में है मध्य प्रदेश के। मत्स्य जो महाजनपद है वो विराटनगर राजधानी थी इसकी, और ये जयपुर अलवर और भरतपुर ये राजस्थान वाले इलाके में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। आई होप दोस्तों बिहार और मध्य प्रदेश का भी आपको याद हो गया है। 4 और बचे हैं, यानी कि 12, 4, 16, तो 4 और बचे हैं, उनके भी जगह का मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे पाकिस्तान में 2 थे, दिल्ली में थे, और बाकी एक कहाँ था उसको मैं लिखता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्थान है पाकिस्तान में, हम देखेंगे कि पाकिस्तान में दोस्तों 2 महाजनपद हुआ करते थे, और वो 2 महाजनपद कौन कौन से थे उसको भी देखेंगे हम लोग। पाकिस्तान में एक दोस्तों कंबोज हुआ करता था जिसकी राजधानी हाटक थी, और उसका आधुनिक क्षेत्र जो है दोस्तों रोजारी और हजारा क्षेत्र था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे गंधार, तो गंधार में तक्षशिला उसकी राजधानी थी, और ये रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता था। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो पाकिस्तान में 2 जो है महाजनपद हैं कौन कौन से, कंबोज और गंधार। कंबोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला, आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत एक ऐसी जगह थी जहां पे एकमात्र जनपद हुआ करता था पूरे दक्षिण भारत में दोस्तों, एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। क्या नाम था दोस्तों, अस्मक नाम था, और अस्मक की राजधानी कहाँ थी, पोटली थी। कहाँ थी, पोटली। और ये पोटली किस एरिए में था, गोदावरी नदी वाले क्षेत्र में, और ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। तो आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा। और एक जो है जो कि लास्ट है 16वां मैंने लिखा है, दिल्ली में तो कुरु नाम का होता था महाजनपद, और कुरु जो है वो उसकी राजधानी इंद्रपद थी, और ये दिल्ली मेरठ और हरियाणा वाले इलाके में जो है मिलता था। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा था कि 16 महाजनपद को कैसे याद करें। तो हमने बताया कि दोस्तों आप जो है उसके जगह के हिसाब से डिवाइड करके याद करिए। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के महाजनपद, उसके बाद हमने बिहार के जनपद देखे, मध्य प्रदेश में देखे, फिर हमने पाकिस्तान में देखा, और फिर दक्षिण भारत में एकमात्र देखा, और दिल्ली में हमने जो है एक देखे। तो आई होप दोस्तों महाजनपद आपको याद हो गया हो। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म हुआ दोस्तों, और हम जो है छोटे छोटे टॉपिक को छोटे छोटे वीडियो में जानबूझ करके लेके आ रहे हैं ताकि आपको बोरियत ना फील हो। और लुसेंट जीके को लाइन बाय लाइन, ये पेज नंबर 7वां है दोस्तों, इसके बाद जो है 8वां पेज आएगा, और लाइन बाय लाइन हम उसको कवर करेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, देन उसके बाद सारी चीजों के को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग लुसेंट की पूरी जो है प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए।